डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, yes, तो यहाँ पे सेल है, सामान बेचना है या अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग सामने वाले को बताते हैं, तो सेलिंग जो है वो कोई आसान काम नहीं है। जो इसको इसमें निपुण है उनके लिए बड़ा आसान है, और जो इस फील्ड में नहीं आए या नए नए हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। तो मेरे पास में कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मैं सेल कर दूं या मेरे प्लान से लोग सहमत हो जाएं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए सुरेंद्र जी, इसमें दो बात है सर। सबसे पहले आपने बताया कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या चाहिए जी, और दूसरा आपने बोला कि प्रोडक्ट को सेल करना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं कि प्रोडक्ट को सेल करना आसान नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट को सेल करना मुश्किल भी नहीं है। जी जी। अब इसमें दो चीजें होती है। सबसे पहले हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमारा कॉन्फिडेंस। अच्छा। कॉन्फिडेंस तब आता है जब कोई भी इंसान अपना प्रोडक्ट यूज करता है। अच्छा। या अपनी फैमिली में या अपने जानने वालों में वो प्रोडक्ट यूज करवाता है। अच्छा। और जब उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं कि हाँ, सामने से लोग ये बोलते हैं कि एक तो अंदर से आवाज आती है कि प्रोडक्ट मैं जो बेच रहा हूँ, हाँ, प्रमोट कर रहा हूँ, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये लोगों के काम का प्रोडक्ट है, लोगों की जरूरत का प्रोडक्ट है। राइट। अब दो चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है कि आज मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा आपको कि हिंदुस्तान में आज भी सर बहुत अच्छे अच्छे अचीवर है, बहुत लोगों ने सक्सेस ली है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर एक नेटवर्कर को, एक डायरेक्ट सेलर को, एक समाज में वो इज्जत नहीं है जो अदर काम करने वाला है। जी, जैसे आपने देखा होगा कोई भी माँ बाप अपने 10 लाख रुपए लगा के, 5 लाख रुपए लगा के अपने बेटे को चपरासी तो बनाना चाहता है, हाँ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर उसको ज्वाइन कराना नहीं चाहता। हाँ, ज्वाइन करा के प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता, ज्वाइन नहीं करवाना चाहता, क्योंकि वो इस चीज के प्रति आश्वस्त नहीं है कि यहां भी कैरियर बन सकता है क्या। और उन्होंने अपने आसपास, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर समाज में लोग क्यों नहीं मानते, उसका एक कारण है कि आज तक हर इंसान ने अपने आसपास किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सक्सेस है। राइट। दूसरा, उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जानते होंगे कि जो इस इंडस्ट्री में आए लेकिन आज कामयाब नहीं हुए, चाहे वजह कुछ भी रही हो। राइट। तो उसके पीछे एक चीज और होती है। अगर आपकी कंपनी का, हम जहां काम कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट सामने वाले की जरूरत का है, राइट, हमने उसको प्रोडक्ट को प्रमोट किया और उसके वो काम में आ गया। राइट राइट राइट। अब कई लोग ये बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट महंगा होता है, सस्ता होता है। मैं इस चीज को भी थोड़ा सा आगे बढ़ के बताना चाहता हूँ सर। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में कोई चीजें महंगी नहीं होती और कोई चीजें सस्ती नहीं होती है। जी, जी। अगर आपने मुझे कोई चीज प्रमोट की, हाँ, पर मैंने वो ले ली, राइट, लेने के बाद उस चीज से मेरी जरूरत पूरी होगी, महंगी कितनी हो, फायदा हो गया, मेरी, मेरे को फायदा हो गया, मेरी जरूरत पूरी होगी, मेरी नीड पूरी होगी, तो वो चीज मेरे लिए सस्ती है। अगर सस्ती से सस्ती चीज आपने मुझे प्रमोट की और मैंने ले ली, लेकिन उसके बाद मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, तो मेरा ऐसा मानना सस्ती से सस्ती चीज भी महंगी हो जाती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आईफोन आज सबसे महंगा फोन आता है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद आप सभी लोग सहमत होंगे, आईफोन ही एक ऐसी कंपनी है जिसका मोबाइल जब लॉन्च होता है तो लोग एडवांस बुकिंग कराते हैं, और जिस दिन मोबाइल आता है लोग रात को 3 बजे 4 बजे टीवी चैनल पे हम देखते हैं लाइव, लाइन लगा के खरीदते हैं। महंगा है, लेकिन कभी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। ये ऑब्जेक्शन उस दिन आ जाएगा कि जिस दिन आदमी पैसे देगा और उसकी वर्थ वसूल नहीं होगी। तो मेरा ऐसा उसको नहीं मिल रही। यस जी। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी कंपनी में जब हम प्रोडक्ट प्रमोट करें तो पहले प्रोडक्ट को यूज करें, उसके प्रति पूरी आश्वस्त हो जाएं कि मैं जो प्रोडक्ट प्रमोट करूंगा, क्योंकि ये सच है हर यूजर नेटवर्कर नहीं बनता है। राइट, बिल्कुल। जितने लोग हमारी इंडस्ट्री में हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, और शायद हमें हर व्यक्ति को नेटवर्कर बनाना भी नहीं, हो भी नहीं सकता जी। एक रेशियो है, वो काम हमेशा करता आया है, करता है और करता रहेगा। लेकिन मुझे अगर ये लगे कि मेरे सामने मैंने जिसको प्रोडक्ट दिया वो बिजनेस ना भी करे, लेकिन उसके वो काम में आ गया, तो उसके पैसे वसूल हो गए। अब मैं जब उस गली से निकलूंगा तो कभी वो मुझे ये नहीं बोलेगा यार तूने मुझे फंसा दिया, मेरा नुकसान कर, मेरा नुकसान कर दिया। तो आज जो समाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो इसलिए भी है कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट ना होने की वजह से लोगों को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है अगर आप अच्छा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो आपको प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अंदर का कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप किसी भी चीज को कॉन्फिडेंस के साथ प्रमोट करेंगे तो सामने वाला 50% आपके प्रोडक्ट से कन्विंस होता है और 50% आपके कॉन्फिडेंस, जो बात करने का तरीका है, उससे
तैयार होता है। राइट राइट। और यही चीज हम बताते हैं कि हम लोग आज हमारे भी जब प्रमोट करते हैं सब लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलते हैं, उनके अच्छे अच्छे व्यूज लेते हैं, और जिस चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है और हमारे प्रोडक्ट से किस किस को क्या क्या फायदा हुआ, उनके बहुत सारी टेस्टिमोनियल, बहुत सारे वीडियोज हमारे पास रहते हैं, कलेक्शन रहता है, और जिस चीज से रिलेटेड होते हैं उनको हम शो करते हैं कि आप ही के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में थे और आज हमारे प्रोडक्ट से जहाँ लोग 2 लाख 3 लाख 4 लाख में ठीक नहीं हो पाए और लगाने के बाद वो आज हमारे प्रोडक्ट से 10,000 15,000 20,000 में भी डायरेक्ट सेलिंग में ठीक हो जाते हैं। तो ये अंदर का कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से हम लोग प्रोडक्ट प्रमोट कर पाते हैं। तो इसको हम कंक्लूड यूँ करें कि सबसे पहला प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करना है। यस। ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसके जो परिणाम मुझे मिले हैं वो मैं लोगों को बताऊं। यस। और जिनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिणाम मिले हैं प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है उसको यूज़ करके, यस स्पेशली वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसका एक प्रॉपर टेस्टिमोनियल बनाएं, एक फाइल तैयार करें और लोगों को बताएं कि भाई ये व्यक्ति वहाँ रहता है, ये इसका फोटो है, ये वीडियो है, इसको ये फायदा हुआ है। बिल्कुल। उसको हुआ तो शायद आपको भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो उससे जो है लोगों का विश्वास उस पर बनेगा। थैंक यू सो मच। महीपाल सिंह जी आज हमारे मेहमान थे, जो एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उनकी इनकम, उनका लाइफस्टाइल, सारी चीज़ें हम लोगों को जानने को मिली। अगले एपिसोड में फिर हम लोग किसी एक और नई शख्सियत के साथ में मिलेंगे। आपको मालूम है कि हर मंगलवार रात्रि 8 बजे हमारा एक नया एपिसोड आ जाता है, और आपके पास ये एपिसोड आते रहें उसके लिए आपको एक काम करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले आपके पास में आए और आप सबसे पहले उसको सुन के उससे ज्ञान प्राप्त करके अपने बिजनेस में उसे शामिल कर सकें। आपके प्यार के लिए, स्नेह के लिए, सहयोग के लिए हमारी पूरी टीम आप सबकी बहुत आभारी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।